नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पैसेंजर एक ही ट्रेन में अपने लिए दो टिकट बुक कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आप अपने लिए एक ही ट्रेन में दो टिकट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टिकट तो बुक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने खुद के लिए एक ट्रेन में दो टिकट क्यों बुक करना चाहते हैं। दोस्तों, चलो मान लेते हैं आपके पास लगेज ज्यादा है और आप अपने लगेज को उस बगल वाली सीट पर रखने के लिए उस टिकट को बुक कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे रीजन के लिए अपने ही नाम से उस सीट को बुक करना चाहते हैं। तो जब भी आप काउंटर पर जाएंगे, रिजर्वेशन फॉर्म को भरेंगे या फिर IRCTC के माध्यम से अपने नाम से दो टिकट बुक करेंगे, तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। आपकी टिकट तो बुक हो जाएगी, लेकिन जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो वहाँ पर जो TT आएंगे वे आपका टिकट देखेंगे और जो आपके बगल वाली सीट है जहाँ पर आपने अपना सामान रखा है उस सीट पर उस पैसेंजर के टिकट को देखेंगे। अगर आप वहाँ पर खुद से ये बताते हैं कि ये मेरी ही टिकट है, तो वहाँ पर TT उस दूसरे टिकट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि रेलवे के मुताबिक एक पर्सन एक ही टिकट को बुक कर सकता है। और ये चीजें जब पता चलेगी जब ऑन बोर्ड TT उस लिस्ट को चेक करेंगे। तो वहाँ पर अगर आप खुद को अपनी उपस्थिति में दिखाएंगे तो वहाँ पर जो TT रहेंगे वह उस सीट को कैंसिल कर देंगे और किसी अन्य RAC या वेटिंग वाले को वह सीट प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने नाम से दो टिकट बुक करेंगे तो इस पर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे के नियम के मुताबिक ऐसा करना रेलवे के नियम में नहीं है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि आप सामान को रखने के लिए उस सीट को बुक करते हैं और अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा लगेज होगा तो ऊपर से आपको पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि आप लिमिट से ज्यादा लगेज को सीट के ऊपर रखकर नहीं ले जा सकते। दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में, पहली कंडीशन में आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी और दूसरी कंडीशन में अधिक लगेज के चलते आपको पेनल्टी भी लगेगी। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने नाम से सिर्फ एक ही सीट बुक करें। अपने नाम से दो टिकट बुक करने के लिए कभी भी ना सोचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।